नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल रही है ट्विटर से। ट्विटर ने अभी हाल ही के दिनों में जो शाओमी वाला केस सामने आया था, जिसमें शाओमी के वेदर ऐप में भारत की जो अरुणाचल प्रदेश की इलाके हैं वहां का वेदर ही नहीं दिखाए जाने की घटना सामने आई थी। तो उसके बाद जो ट्विटर है, ट्विटर इंडिया भी कुछ गड़बड़ी करने लगा था, क्योंकि उसमें जो भारत की लद्दाख के टेरिटरी है उसको चाइना का हिस्सा वो लद्दाख में बता रहा था। और दोस्तों, इसी की कड़ी में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी अजय साहवने ने आज ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से को स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से भेजा है, और इसके चलते ट्विटर से जवाब मांगा गया है। और अगर जवाब सही तरीके से ना पेश किया गया तो ट्विटर के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई भारत की सरकार कर सकती है। दरअसल दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू है। ट्विटर पर भारत के इलाकों को चाइना का हिस्सा बताना, ये पूरी तरह से एक बायस्ड एक ट्विटर दिखा रहा है कि वो पूरी तरह से चाइना बायस्ड है। हालांकि ट्विटर के ऊपर लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीटों को भी रिमूव करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन ट्विटर हर बार से ही चाइना का ही साथ देता आया है। और इसी की कड़ी में जो ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के जो एक मैसेज देने का एक काम आज भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने किया है, उसके बाद ट्विटर का भी रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने कहा है कि इस संडे के दौरान ये एक इशू सामने आया था। और दोस्तों, ये अब आप देख लीजिए कि एक संडे को ये इशू सामने आया था, लेकिन अभी भी इसे हल करते हुए ट्विटर को अभी भी इतना समय लग गया है, और ना ही कोई इसको लेकर उसने कोई ऐसी बात रखी है कि आखिरकार ये सब हादसे और ये सब बातें कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, कि आखिरकार भारत के इलाके को वो चाइना का इलाका किस हद तक दिखा रहा है और क्या इसके पीछे कारण है। और इसी की कड़ी में जो एक ट्विटर के सीईओ हैं, उनका कहना है कि हम बहुत जल्द इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिरकार चाइना ने इसमें चाइना के हैकरों का काम है या फिर ये कोई और ही इशू बन गया है। हालांकि जो एक ट्विटर के एल्गोरिथम होते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं इनके, और ये प्रोटोकॉल ट्विटर ही अच्छी तरीके से जानता है। यही कारण है कि ट्विटर इसके ऊपर सफाई देगा, तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन उसी की कड़ी में पहले जो ये एक बयान सामने आया है भारत की तरफ से, ये सख्त बयान आज सामने आ गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताइवान के मामले में। ताइवान के जो एक अभी हाल ही में हमने आपको सूचित किया था कि ताइवान के डिप्लोमेट के सिर फोड़ दिया गया था, चाइना के जो डिप्लोमेट है, दो डिप्लोमेटों ने, और उसके ऊपर आज अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम बहुत ही कंसर्न्ड है कि इस तरह का हादसा हुआ है हमारे एक बहुत ही गहरे मित्र ताइवान के साथ। और उन डिप्लोमेटों की एक जो सिर फोड़ने की बात आई है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए भी उन्होंने कामना की है। सुनवा ही देते हैं आखिरकार उन्होंने आज क्या बातें बोली हैं आपको। हालांकि ये बातें इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में जो बातें कन्वर्जन करनी थी वो हमने आपको पहले ही बता दी है। Ambassador Joseph Sala virtually signed an agreement with Fiji that opens the door to regular talks between the United States and Fiji on our growing commercial relationship. Contrast that with the activity took place earlier this month when Chinese diplomats appeared uninvited at an event organized by the Taipei Trade Office in Fiji. They started taking pictures of guests, were asked to stop, and then got into a fight, a brawl, resulting in one of Taipei Trade Office staffers suffering a head injury. We wish our Taiwanese friend a healthy, safe recovery. This isn't, unfortunately, the first time we've heard allegations of Chinese diplomats behaving inappropriately.